टेंडर हुआ और टेंडर भी खुल गया। अब आज जो हमारे अधिकारी आए हैं स्टेशन डेवलपमेंट के, हमारे अधिकारी फिर जो अन्य पदाधिकारी हैं इंजीनियरिंग साइड के, और सब लोग आए हैं। वो जगह एक देखने जहाँ सारा शिफ्ट टेम्पोरी सब अलग बनाना पड़ेगा, और सारे स्टेशन तोड़े जाएंगे, और तब फिर इस जगह सबको पता है कि हवाई अड्डा का जैसा लुक होता है वैसा बनना है, डबल स्टोरी बनना है, तो ये तुरंत शुरू हो इसलिए। और ट्रेन भी नहीं रुके, ट्रेन भी चलता रहे, तो स्टेशन पर जितने सारे काम होते हैं उनके लिए अलग एक टेम्पोरी ऑफिस बनाना, और क्योंकि यहाँ फिर इस प्लेटफार्म पर आना जाना कम होगा इसलिए फुट ओवर ब्रिज भी और बनाना, जो उस तरफ लोग आसानी से इधर से उधर जा सके, सारी योजना को देखने के लिए आगत कर दिया। तिहारी रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के प्रथम चरण का कार्य जो है लगभग 193 करोड़ 200 करोड़ का ये परियोजना है, जिसकी जिसका कार्य हम लोग टेंडर जल्द अवार्ड करने जा रहे हैं, टेंडर खुल गया। और क्योंकि ये स्टेशन क्षेत्र का काम है, गाड़ियों का परिचालन भी करते रहना है और निर्माण भी करना है, तो जो यात्री संबंधित जो ऑफिसेज हैं उनको पहले हमें शिफ्ट करना है, क्योंकि निर्माण वही होगा। तो शिफ्ट कैसे करें, यात्रियों को असुविधा कम से कम हो और जल्दी से जल्दी काम हो, इसकी आज समीक्षा की गई यहाँ पे। और उसमें हम लोग कहाँ ऑफिस शिफ्ट करेंगे, कौन कौन से बिल्डिंग शिफ्ट करेंगे और कहाँ शिफ्ट करेंगे और कितनी जल्दी वहाँ टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस पर हम लोगों ने विचार किया है। आप लोगों को पता ही है कि ये स्टेशन जो से जो कॉन्कोर्स बन रहा है वो करीबन 80 मीटर लंबा है, और इस पे चार माले हैं, ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 फ्लोर और हैं। जो कॉन्कोर्स है वो डबल हाइट का कॉन्कोर्स है, हाई राइज कॉन्कोर्स है, जो आप एयरपोर्ट वगैरह में जैसे देखते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे यात्रियों की सुविधा है, फर्स्ट फ्लोर पे भी यात्रियों की सुविधा होगी, हर रेलवे ऑफिसेज वगैरह होंगे फर्स्ट फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे इनके कॉन्कोर्स होंगे जिसपे एफओबी से सीधा लोग, 36 मीटर का जो एफओबी हम बना रहे हैं एयर कॉन्कोर्स, उसके साथ कनेक्टेड होगा, और उसके ऊपर होटल और बैंक्वेट हॉल और ये जैसे उसकी सुविधा प्राइवेट उसमें कमर्शियल डेवलपमेंट में उसकी की जा रही है। और एक एक्स्ट्रा एफओबी बनेगा, अभी एक एफओबी है हमारे पास, एक एफओबी और बनेगा एयर कॉन्कोर्स के अलावा। और इसके अलावा यात्री जो स्टेशन पे आएंगे और यात्री जो स्टेशन से निकलेंगे उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसकी व्यवस्था की गई है।
27 महीने का ये प्रोजेक्ट है, टेंडर अवार्ड होने के बाद इसको हम लोग 27 महीने में करेंगे और आशा करते हैं कि सारी इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद जो प्लानिंग वगैरह है वो बरसात हम कर लेंगे और बरसात के तुरंत बाद इसको तुरंत गति से यहाँ पे धरातल पे कार्य